हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचपी ऑयल में जो है ये यहाँ पे कूपन निकलता है, ठीक दोस्तों। ये कूपन निकलता है, इसको किस तरीके से पेटीएम से स्कैन किया जाता है पूरा प्रोसेस मैं आपकी आज की वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों इससे पहले मैंने कैस्ट्रॉल की वीडियो बना रखी है, तो उसको जा करके भी आप देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एचपी ऑयल में जो है इस तरीके का कूपन निकल रहा है, ठीक दोस्तों। ये इस कूपन का कैसे स्कैन किया जाता है, कैसे इसको क्या किया जाता है सब कुछ मैं प्रोसेस एक एक वीडियो एक एक चीज़ में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने जो है कैस्ट्रॉल के वीडियो बनाई है कैस्ट्रॉल कूपन स्कैन के बारे में, लेकिन दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि एचपी ऑयल के बारे में बनाइए, एचपी रेसर के बारे में, ठीक दोस्तों। तो इसलिए मैं इस ऑयल के बारे में उस कूपन के बारे में बना रहा हूँ, ठीक दोस्तों। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे ये वीडियो आपके लिए है, ठीक दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद जो है हमको इसमें सर्च बार पर जाना है, जो पेटीएम ऐप जो होता है उसको सर्च बार में जाना है। जैसे ये स्कैन पे हम सर्च बार पर क्लिक किए, ठीक दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, एच पी ल्यूप स्कैन करना है, ठीक दोस्तों। जैसे कि ये लिख किया गया, मैं एक बार स्कैन कर चुका हूँ, ये देखिए एच पी ल्यूप, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक दोस्तों। इस तरीके से ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्या करना, अलाव पे परमिशन दे देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कोई क्यूआर स्कैन पे क्लिक कर देना है, ठीक दोस्तों। उसके बाद आपको जो है कोई भी कूपन कोड है इसके इस तरीके से स्कैन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये कूपन कोड स्कैन हो गया, उसके बाद अलाव डन पे ओके कीजिएगा और अलाव पे कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको अगर पेटीएम वॉलेट में लेना है वॉलेट पे ले लीजिएगा, जिस पे लेना है उस पे ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आपको ये जो सेटिंग मांगेगा, सेटिंग में क्या करना है, आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक दोस्तों। और सिटी जो है, सिटी मेरी कानपुर है तो मैं कानपुर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये कानपुर सिटी लिखा हुआ है। और उसके बाद ये जो है इसमें लिख के आ रहा है आप कस्टमर हैं कि या फिर और कोई हैं, तो मैं कस्टमर, अगर आप लोग कस्टमर है तो कस्टमर कीजिएगा, नहीं मैकेनिक है तो मैकेनिक पे कीजिएगा, जैसे आप लोग हैं। तो मैं कस्टमर पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक दोस्तों। उसके बाद सबमिट कर दूँगा, ठीक दोस्तों। सबमिट करने के बाद ये देखिए राउंड ऑफ चल रहा है, ये राउंड चल रहा है और ये हो गया सक्सेसफुल। ये देखिए अलाउ पे क्लिक किया, ये देखिए आ गया है, ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप स्कैन कर लीजिएगा ये कूपन को, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कूपन स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इसको किस तरीके से स्कैन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।